हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजिलाइट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से आज हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और इसमें आगे करेंगे। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो आपका परसेंटेज का करेंगे। परसेंटेज होता क्या है और किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में हम परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये परसेंटेज चीज़ क्या है, इसका सिंबल हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, एक बात है, पुराने जमाने के जो लोग होते थे, जब कोई नई चीज बना लेते थे तो उन्हें बहुत एक खुशी सी मिलती थी कि एक सिंबल दिखा देते हर चीज के लिए। पर इस सिंबल का कोई और मतलब नहीं होता है। जब हम इसे नॉर्मल टर्म्स में देखें तो इसका मतलब 1/100 ही होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपकी परसेंटेज के मतलब 1/100 है, पर जब हम सिंबल यूज करते हैं तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो अगर कभी भी आपको बोला जाए कि 20% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप एक तरह से 20/100 की बात कर रहे हैं, ये आपकी परसेंटेज है। वहीं पे परसेंटेज में एक चीज और सुनने को आती है जिसका नाम होता है फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन क्या चीज है? फ्रैक्शन कुछ और नहीं होता, जब आप इस परसेंटेज को, जैसे ये 20% है, जब इस परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में बना देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो ये 1/5 जो कट के आपकी वैल्यू आई, इसे हमने फ्रैक्शन बोल दिया। तो बस टर्म्स आपकी अलग अलग हैं, नॉर्मली आपके कुछ नहीं हो रहा है, बस डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में आपके दो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक आपका परसेंटेज और एक आपका रेशियो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आप मैथ्स में पूरे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस खुद की चैप्टर की भले ही ना हो, आप एग्जाम में ये नहीं आ रहे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, पर ये टॉपिक्स आपके दूसरे टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मान लीजिए आपको बोला जाए परसेंटेज कि 80% है आपके पास, अब ये 80% खाली तो आता नहीं, ये 80% किसी के साथ आता है, जैसे कि 80% ऑफ 200। तो ये बोल रहा है कि हम 80% ऑफ 200, क्या क्या होता है 80%, तो हमें ये निकालना पड़ता है। सिंपली हम करते हैं कि ट्रेडिशनली फॉर्म में हम क्या करते हैं, 80/100 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 200 कर लेंगे। इसी तरीके से हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 0 हटा ली, यहाँ से भी 2 0 हटा ली, 80 × 2 कर दिया तो 160 हमारा आंसर होता है। तो एक तरह से बोला जा रहा है कि 80% जो 200 का होता है वो 160 होता है। पहले के टाइम में आपके परसेंटेज में 100 यूज नहीं होती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 1/1000 यूज होती थी। पर अब आपके मॉडर्न हो गए सिस्टम, तो उसके बाद से आपके 100 यूज होना स्टार्ट हो गया। सबसे करीबी जो 00 वैल्यू होती है वो आपके 100 ही रहती है। सिंप्लीफिकेशन में आपके क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से आते हैं कि 23% ऑफ 280 क्या होगा, आपको 23% निकालने को बोल देगा। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम 23/100 × 280 कर लें, एक तो ये मेथड है कि हम ट्रेडिशनल फॉर्म से कर लें। दूसरा मेथड आपका क्या रहता है कि हम इस परसेंटेज को ब्रेक डाउन कर लें, 20% +3% ऑफ 280, कि एक बार हम इसका 20% निकाल देंगे, एक बार हम इसका 3% निकाल लेंगे। अब एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाएगा, जैसे 280 दी है, तो ये खुद का हमेशा 100% ही रहता है, फिर चाहे वो वैल्यू सबसे छोटी रहे चाहे सबसे बड़ी रहे। मान लीजिए आपके पास कोई एक डिजिट है 0.002, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वैल्यू खुद का कितना प्रतिशत है, तो ये वैल्यू भी खुद की 100% ही रहती है। वहीं पे अगर इस वैल्यू का, मान लीजिए 280 का, मैं बोल दूं कि 10% निकाल के, तो जब भी हम इसका 10% निकालते हैं तो लास्ट से एक वैल्यू में डेसिमल लग जाता है और इसका आंसर 28 हो जाता है। तो 10% के लिए कुछ नहीं करना है, लास्ट से एक वैल्यू में डेसिमल लगा लो। और वहीं पे अगर 1% पूछ दिया जाए तो लास्ट से दो वैल्यू में हम डेसिमल लगा देते हैं, तो 2.8 आपका इसका 1% हो जाता है। तो किसी भी वैल्यू का 100%, 10% और 1% निकालना बहुत इजी होता है, आप सिर्फ डेसिमल एक एक शिफ्ट करते रहते हो आगे। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 20% और 3% ऑफ 280,
20% पूछा है, 10% हमें पता है कि 28 होता है, 10 का 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 56। ये 56 तो आपका 28%, 20% है 280 का, और वहीं पे आपको 3% पूछा है। अब हम इस 10% वाले से तो सॉल्व कर नहीं सकते, अब हम यूज करेंगे ये 2.8% का। ये 2.8% को जब हम 3% निकालना है, हम क्या करेंगे, 2.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 6, जो कि पूरी एक रियल वैल्यू का है, 2 × 3 = 6, और साथ में डेसिमल वैल्यू का आ जाएगा 8 × 3 = 2.4। ये वैल्यू आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, डेसिमल के बाद हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी डिजिट को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो इसे 2 नहीं, मैं इसे सिर्फ 2.4 नहीं, इसे सिर्फ 2 मान के चलूंगा और बस ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 64। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस डेसिमल की वजह से तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। देखिए, आपको एग्जाम में थोड़ी ना पूरे ये स्टेप लिखने, एग्जामिनर कभी भी आपके ये स्टेप्स नहीं देखने वाला, उसे सिर्फ एक क्लियर कट आंसर चाहिए, पर आपका आंसर जिस आंसर के सबसे करीब होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें कभी भी डाउट मत रखिए कि अगर हम ये डेसिमल वाली वैल्यू हटा देंगे तो हमारा तो आंसर बिगड़ जाएगा, सबसे करीबी जो आपका आंसर होगा वही आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि 29% ऑफ 435 निकाल कर। अब हमें पता है कि ये 435 खुद का 100% है, 100% है तो वैल्यू कितनी है 435, इसी का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट से एक में डेसिमल 43.5, और वहीं पे 1% कितना हो जाएगा लास्ट से दो में डेसिमल 4.35। ये हमारा इससे 1% है। अभी हमने सीखा था कि 10% के लास्ट से एक में डेसिमल लग जाता है और आपका वहीं पे 1% के लिए लास्ट से दो में डेसिमल लग जाता है। अब इस परसेंटेज का हम ब्रेक डाउन करेंगे। अब देखिए, इसका ब्रेक डाउन 20 + 9 करने की क्या जरूरत है, इसको हम 30 - 1 कर लेते हैं, 30 - 1% ऑफ 435। तो जो वैल्यू सबसे जीरो के करीब हो हमें बस वही देखना होता है। अब 30% हमें निकालना है, 10% की हमें वैल्यू पता है, इसका 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो 43.5 मल्टीप्लाई बाय 3, और वहीं पे माइनस करेंगे 1%, 4.3, तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा कि 29% ऑफ 435 कितना होता है। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 129, और 0.5 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 4.3। अब ये जो डेसिमल्स है इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, इनको देखने की जरूरत ही नहीं, जो चीज हमारे क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देती है उसे देखने की जरूरत ही नहीं। हम यहाँ पे सिंपल कर देंगे, ये 130 हो जाएगा, माइनस 4 कर देंगे तो 126 आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में मान लो इस तरीके से है आंसर, 127, 198, 240, 245, मान लीजिए चार ऑप्शन है, हमारा आंसर क्या रहेगा, 126 सबसे करीब किसके हैं, 127 के, तो बस यही हमारा बी ऑप्शन होगा। एक डेसिमल की वजह से इतना कितना फर्क आ जाएगा कि 126 की बजाय आंसर 198 होगा, तो बस इतना ध्यान रखना कि डेसिमल सोचने की जरूरत नहीं है अगर हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैल्यूज अप्रोक्स कैसे होती है। मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है 2.98 और एक वैल्यू है 20.72 और एक है 1.32। अब हम इसे राउंड ऑफ कैसे करें, देखिए राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या रखना होता है ध्यान, कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू, हमें सिर्फ कंपैरिजन 0.5 से, 0.50 से और 0.500 से करना होता है। अगर डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो हम 0.5 से कंपेयर करेंगे, दो वैल्यू है तो 0.50 से, और तीन वैल्यू है तो 0.500 से। ठीक है, वैसे 0.500 बोला नहीं जाता, 0.500 बोला जाता है, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज है उसे हम कभी भी एक यूनिटी में नहीं देखते, उसे हम इंडिविजुअली देखते। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यू है 2 के बाद, तो हम कहाँ से कंपेयर करेंगे, 0.50 से,
तो अगर हम 0.50 से इसे कंपेयर करें तो हमें बस इतना देखना है कि ये 50 से ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी है। तो 9.8 तो हमारा 9.8 हमारा तो बड़ा ही होता है 50 से, तो हम हमेशा इससे अगली वाली वैल्यू लिखेंगे 3 प्रॉपर वैल्यू। वैसा ही अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे ये 0.50 से 0.72 बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ी वैल्यू है, तो हम 20 से एक वैल्यू आगे की लेंगे 21। वहीं पे यहाँ देखिए 1.32, ये वैल्यू 0.50 से छोटी है, तो ये वैल्यू में हम सिर्फ यही वाली देखेंगे 1। तो जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं तो आप इस तरीके से वैल्यू देखते हैं। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है कि 27.3। अब यहाँ पे खाली एक वैल्यू है डेसिमल के बाद, तो हमें चेक कहाँ से करना है, 0.5 से। तो 0.5 से ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, तो हम सिर्फ इसी को लेंगे 27 को राउंड ऑफ। वहीं पे मान लो अगर ये वैल्यू 27.8 होती और 0.5 से तो ये बड़ी हो गई, तो हम इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू लेंगे जो कि आपकी 28 होती है। तो अप्रॉक्स हमेशा वैल्यू इस तरीके से होती है। हम कंपैरिजन करते हैं 0.5 से, और 0.5 से क्यों कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये मिड वैल्यू है, 0.5 के इक्वल है दोनों साइड में। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन है। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम बोर्ड मास देखेंगे, बोर्ड मास देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डिवाइड तो भले ही है पर डिवाइड से पहले तो ऑफ भी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑफ और डिवाइड साथ में आ जाए तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं परसेंटेज वाली, उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और लास्ट में ये मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे और बाद में प्लस होता है। तो ये इक्वेशन में ध्यान रखना कि जब भी ऑफ और डिवाइड साथ में आ जाता है तो सबसे पहले ये ऑफ वाली इक्वेशन सॉल्व होती है, और ऑफ ये खाली नहीं है, जब भी आपकी परसेंटेज चेंज होती है 23 आप चेंज कर देते, इसे कन्वर्ट कर देते न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो ये ऑफ भी कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सारी इक्वेशन सॉल्व हो रही है। इसी के साथ थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि ज्यादा ध्यान रखने की है, जैसे मान लीजिए कि आपको 32 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गया, 11 से मल्टीपल जितने भी होते हैं हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं कि एक डिजिट छोड़ के यही वैल्यू दोबारा लिख देते हैं और इसे प्लस कर देते हैं, 352 आपका आंसर है। वहीं पे मान ली 3 डिजिट आ जाए 328, ये भी मल्टीप्लाई बाय 11 आ जाए, तो इसमें भी यही वैल्यू आगे शिफ्ट कर देंगे 328, और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और नॉर्मली एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आता, आपको बोल दिया जाए 32 मल्टीप्लाई बाय 33। अब पता तो है हमें कि 11 की वैल्यू है, हम 11 में तो ट्रिक लगा सकते हैं, पर ये 33 में ट्रिक कैसे लगाए। तो ये 33 कुछ और तो नहीं है, ये सिर्फ 11 का थर्ड टाइम था, हमने ब्रेक कर दिया इसको 11 into 3, तो बस यहीं पे वो ट्रिक लगाई और बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके पास कैलकुलेशन में इस तरीके से वैल्यूज आए 11 के साथ, तो वहाँ पे सिर्फ हम वैल्यूज शिफ्ट करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक थे, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक टॉपिक्स थे। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादातर आपके प्रैक्टिस पे रहता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके इजीली सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें आपके कोई आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप नॉर्मली 10th तक के टेबल याद कर, ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो 10th तक के आप टेबल याद करना, उसके बाद नॉर्मली आप ट्रिक्स लगा सकते हो जब आप क्या एक बार से ब्रेन ड्रेन हो जाएगा कि ईजिली आप किस तरीके से सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे वो रेशोज के टॉपिक पे रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि रेशोज किस तरीके से आपके परसेंटेज से लिंक होती है और किस तरीके से आपके फ्रैक्शन से लिंक होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।